तो चलें आपको बलोची कुकिंग दिखाते हैं, बलोची रोटी जो हम इस रेत पे जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस रेत पे हम बलोची रोटी आपको पका के दिखाएंगे। सिर्फ अंगारे होंगे और रेत होगा, आप खुद देखेंगे कि हम रोटी को सीधा रेत पे रखेंगे। ये अब हमारे मेरदीन भाई हैं जो रेत को सही कर रहे हैं। इसी रेत पे मेरदीन भाई हमें रोटी पका के देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और लाइव हम आपको दिखाएंगे, आप बस वीडियो पे के साथ बने रहें और आप देखेंगे कि किस तरह से रेत पे रोटी पकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज दोस्तों के साथ हमने इरादा किया कि कच्ची किनाल जाएंगे, आप लोगों को कच्ची किनाल का विज़िट कराएंगे और वहाँ पे अपनी ज़मीनें दिखाएंगे। इस बार फसल तो उन पर नहीं हुआ है क्योंकि कच्ची किनाल सैलाबों की वजह से टूटा हुआ है, उसमें पानी नहीं है। तो आज हमने इरादा किया वैसे वहाँ जाएँगे और ख़ुद खाना पका के खुद खाएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों फाइनली अब हम कच्ची किनाल पे पहुंचे हैं, आप कच्ची किनाल का पानी भी देख सकते हैं। सैलाबों में कच्ची किनाल टूट गया है जिसकी वजह से अब इसमें थोड़ा सा पानी इस एरिए में है, बाकी पीछे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आज हम आगे जा रहे हैं ज़मीनों पे, आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप कच्ची को देख सकते हैं, कच्ची किनाल एरिया तौंसा बैराज से निकलता है और कच्ची के इलाके तक जाता है और मैं यहाँ पे रास्ते में डेरा बुट्टी से होते हुए डेरा बुट्टी के इलाके सुई से गुजरते हुए आगे कच्ची तक जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम फाइनली कच्ची किनाल अपने गेस्ट हाउस पे आए हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, कभी कभी हम आते हैं चक्कर पे। तो यहाँ पे आज हम आए हैं, हमने सोचा कि आज हम कहीं आउटिंग पे चलते हैं और दोस्तों के साथ खुद ही कुछ पका के खाते हैं। मुर्गी भी हमने ली है रास्ते में, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलें आपको बलोची कुकिंग दिखाते हैं, बलोची रोटी जो हम इस रेत पे जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस रेत पे हम बलोची रोटी आपको पका के दिखाएँगे। सिर्फ अंगारे होंगे और रेत होगा, आप खुद देखेंगे कि हम रोटी को सीधा रेत पे रखेंगे और रोटी पक जाएगी और इतनी मज़ेदार रोटी होती है, उस पर रेत भी नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो यह है। चलो शुरू करते हैं। ये अब हमारे मेरदीन भाई हैं जो रेत को सही कर रहे हैं, इसी रेत पे मेरदीन भाई हमें रोटी पका के देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और लाइव हम आपको दिखाएंगे, आप बस वीडियो पे के साथ बने रहें और आप देखेंगे कि किस तरह से रेत पे रोटी पकती है। अब रेत पे आप देख सकते हैं मेरदीन भाई यहाँ पे लकड़ियाँ रख रहे हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ जला के फिर उसमें से कोयला निकलेगा, फिर उसके ऊपर कोयला देगा, नीचे रेत पकाएगा रोटी को। देख सकते हैं आमिर दिन भाई क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को। भाई हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इधर आटा गूंथते हैं, फिर इधर उधर जब ये आग के बाद जो खोला निकलेंगे उसके ऊपर नीचे हम लगाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे हमें भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मेरे दिन भाई की बात माने यार, इतना मेहनत कर रहा है। दिन भाई ने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है, अब अंगारों को लकड़ी के जरिए उस तरफ करके ये रोटी है। आप देख सकते हैं आटा है गूंद के तैयार हो गया है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेत पे वही अंगारे हैं, इनको सही कर रहा है। बाद में अंगारे एक साइड पे करके रोटी रेत पे पकाएंगे। आप लोग लाइव देखेंगे कि रेत पे पक रही है, वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आप लोगों को रेत नज़र आ रही है। अभी इसी अंगारे सारे इस तरफ किए हैं, अभी इसी रेत पे रोटी रखी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगारे सारे एक साइड किए हैं, क्योंकि अगर अंगारे होंगे तो रोटी फिर जलने का खतरा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेत पे रोटी रखी गई है। अब ऊपर भी साइडों से रेत रखी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा रेत उठा के, गर्म जो रेत है वो रेत इस पे रखी जा रही है रोटी पे। यहाँ पे ये देखें, लाइव देखें, इस पे रेत पे रखी जा रही है। इसको बलोची में कोकी कहते हैं। अलादीन भाई एक दोस्त को लेने गए हैं, तो यहाँ पे मुझे अब कुकिंग करना पड़ रहा है। मैं सही कुक भी नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं, कभी कभी बनाते रहते हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। तो आज जब पकेगी तो आप लोग बताएं कि किस तरह की पकी है। ये मेरे दिन भाई 5 मिनट बच गए हैं, अब रोटी को निकाल रहे हैं, उसका दूसरा साइड देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये सारे इसके ऊपर रेत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे वाला साइड था जो कच्चा है, ऊपर वाला साइड इसका पक गया है। दोस्तों मज़ीद 5 मिनट गुजरने के बाद अब हमारी रोटी जो है तैयार हो गई है। तो अब मेहरदीन भाई निकाल रहे हैं रोटी को, आप देख सकते हैं मेहरदीन भाई निकाल रहे हैं, पूरी रोटी हमारी पक गई है। तो अब हम इसे निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये रेगिस्तान वाली रेत पे पकी है, अगर मिट्टी पे होती तो इस पे सारा मिट्टी लग जाता, रेत इस पे नहीं लगा है। अब मेहरदीन भाई साफ़ करने लगे हैं, तो आप देख सकते हैं इस पे एक भी मिट्टी नहीं रही है। मैं आप लोगों को क्लोजअप दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं कि इस पे बिल्कुल भी अब रेत नहीं है और खाने के काबिल है। बड़ा मज़ेदार रोटी बनता है। और अब दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेहरदीन भाई रोटी को साफ़ कर रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस पे एक भी रेत नहीं लगा हुआ और ये रोटी साफ़ है। मैं आपको क्लोज़अप भी इसका दिखाता हूँ इसके बाद। तो ये सारा जो धूल है वो निकल गया है। अब आप रोटी को देख सकते हैं कि कितना साफ़ है, इस पे एक भी रेत नहीं है और खाने के काबिल है। ये बड़ा ज़बरदस्त रोटी बन जाता है। यहाँ पे आप क्लोज़अप में देख सकते हैं इस पे बिल्कुल भी कोई भी रेत मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है।